रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दो दिवसीय हरियाणा दौरे पर निर्वाचन आयोग की टीम है। आपको बता दें चंडीगढ़ में ईएसआई के अधिकारियों ने चुनाव को लेकर मीटिंग की है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हुई और बैठक में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग की टीम ने चुनाव को लेकर सुझाव दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दो दिवसीय हरियाणा दौरे पर है निर्वाचन आयोग की टीम। और आपको बता दें चंडीगढ़ में ईसीआई के अधिकारियों ने चुनाव को लेकर मीटिंग की है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ये मीटिंग की गई है और बैठक में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज सारी हरियाणा की रिकॉग्नाइज पार्टीज के साथ मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी। तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स वहां पर थे और दूसरा स्टाफ भी था, हरियाणा का भी और इलेक्शन कमीशन का भी। सभी की मीटिंग्स आज खत्म हो चुकी हैं। वहां पर सभी राजनीतिक दलों को अलग अलग बुलाया गया था, हमारी तरफ से भी सजेशन दिया गया था, तो हमने कुछ सजेशन दिए थे। मेरे साथ मैं और रणधीर सिंह जी थे, स्टेट सेक्रेटरी, उन्होंने सजेशन रखे थे उनके सामने। सबसे इम्पोर्टेंट जो सजेशन हमारा था वो ये था कि जो सेंसिटिव बूथ्स हैं उनको राजनीतिक दलों को बताया जाए, जिससे कि राजनीतिक दल भी अलर्ट होके इलेक्शन कमीशन की हेल्प कर सकें और वहाँ स्मूथली इलेक्शन हो सके। सेशन जो था हमारी तरफ से था कि जो वोटर्स जिनकी डेथ हो चुकी है उनके इलेक्शन रोल से नाम नहीं कटे हैं, उनके नाम डिलीट करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया गया था रणधीर जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि जो क्रीमेशन ग्राउंड्स हैं वहाँ से रजिस्टर से उनसे लिस्ट मंगाई जाए और जो आदमी उसके ज्यूरिस्डिक्शन में हैं उनके नाम काट दिए जाएं। इसी तरह ग्राम पंचायत से आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू लिस्ट मंगाई जाए और उनके भी नाम काटे जाएं। जो एक मेन चीज़ थी वो सीनियर सिटीजन्स के बारे में हमारी डिमांड रखी गई थी कि जो सीनियर सिटीजन्स की वोट घर से डलवाने की प्रथा स्टार्ट हुई है उसमें राजनीतिक दलों को एडवांस में इन्फॉर्म किया जाए, जिससे कि वो अपने प्रतिनिधि इलेक्टोरल इलेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ भेज सकें और फ्रीली एंड फेयरली वो वोट डल सके। तीसरा था जो पोलिंग बूथ पार्टीज के लगते हैं वो पोलिंग बूथ 200 मीटर 100 मीटर के डिस्टेंस पर आ जाते हैं और उसका ये स्पेसिफाई पार्टीज को नहीं है कि वो 200 मीटर क्या ईवीएम से है या मेन गेट से है या अंदर के गेट से है।